सबसे पहले हम साथी दिलीप को यहाँ से जय भीम लाल सलाम करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक संघर्ष में गए, वो भूख हड़ताल पर बैठे सोशल जस्टिस के लिए, और जिस तरह से मतलब उनका हेल्थ डिटोरिएट किया, वो एक क्रिटिकल कंडीशन में थे, फिर भी वो अपना संघर्ष जारी रखे। पर कल बहुत ही शर्मनाक ढंग से इस वीसी ने पुलिस को यहाँ अंदर घुसने का अनुमति दिया और एक फोर्सफुल तरीके से और काफ़ी ब्रुटैलिटी के साथ साथी दिलीप को यहाँ से उठाया गया और यहाँ से वो लेकर गए। साथियों, 1999 में एक बार ऐसा हुआ था कि एक साथी भूख हड़ताल पर बैठे थे और उनको भी इसी तरह से उठाकर ले जाया गया था। तब NDA का सरकार था और आज BJP का सरकार है। साथियों, हम 2013 में इस कैंपस में आए थे और तब इस कैंपस का राजनीतिक माहौल देखकर काफ़ी खुशी हुआ था कि चलो कोई तो एक ऐसा कैंपस है जहां पर लोग सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस का बात करते हैं। लेकिन आज बहुत दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि आज जब कुछ लोग सोशल जस्टिस का बात करते हैं तो या तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, या फिर अगर कोई इस मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल पर बैठता है तो उसे फोर्सफुली यहाँ से उठा लिया जाता है। साथियों, इसके साथ एक बात और हम कहना चाहते हैं कि आज इस कैंपस में जो राजनीतिक माहौल है वो हमें आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि JNU एक आइसोलेटेड जगह नहीं है। समाज में जो हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन JNU में भी दिखने को मिलता है। जिस तरह से आज बाहर जो BJP सरकार है वो एंटी वुमेन, एंटी दलित, एंटी मुस्लिम्स, एंटी आदिवासी पॉलिसीज लेकर आ रही है और जिस तरह से इनके खिलाफ राजनीति कर रही है उसका ही रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ये बात बोलने का ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी बोलेंगे कि BC जो है वो इसी आइडियोलॉजी से आता है और इसी आइडियोलॉजी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहा है। चाहे हम लोग वाइवा वोसे का बात करें, जब इस कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन का बात उठता है तो सबसे पहले वाइवा वोसे दिमाग में आता है। जब वाइवा 30 नंबर का होता था तब भी इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था और आज जब ये 100 नंबर का हो गया है तो आप समझ ही सकते हैं कि किस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ होगा। पर्सनली इस डिस्क्रिमिनेशन को हमने भी फेस किया है, मेरे कुछ दोस्तों ने भी फेस किया है। इसके अलावा जिस तरह से फी हाइक का बात चल रहा है, फी हाइक हुआ है, तो साथियों हम बार बार जब ये बात कहते हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रिविलेज, इट इज़ अ राइट, तो आज BC और ये एडमिनिस्ट्रेशन उस डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ एजुकेशन विल नो लॉन्गर रिमेन अ राइट, इट विल बिकम अ प्रिविलेज। इसीलिए साथियों हमें लगता है कि आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब साथ में मिलकर इस लड़ाई को आगे लेकर जाएं। यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं पर ज़रूरत है कि हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को अलग रखें और इस लड़ाई को एक साथ मिलकर आगे लेकर जाएं। धन्यवाद।